दोस्तों, ये जो दुनिया बनी है ये दो तत्वों से बनी है, एक भौतिक तत्व और एक आध्यात्मिक तत्व, मतलब ऊर्जा जो उस भौतिक तत्व को सक्रिय करती है। एक पत्थर भी दौड़ सकता है अगर उसे कोई ऊर्जा मिले तो, एक पत्थर भी उछल सकता है, ब्लास्ट कर सकता है अगर उसके अंदर कोई बारूद भरा हो तो, एक यंत्र भी चल सकता है अगर उसके अंदर कुछ ऊर्जा हो तो। भौतिक जो जग है और दूसरा जो ऊर्जा का जग है, ये दोनों जब आपस में तालमेल में आ जाते हैं तो कुछ घटता है। तो जीवन जो है कुछ घटने में है। हर कोई अपने जीवन में पहचान बनाना चाहता है, जो पहचान हमारी हमारे गति से होती है। हम जब स्कूल में थे तब दौड़ लगाई जाती थी, तो सबसे तेज जो दौड़ता था उसको पुरस्कार मिलते थे, बख्शीश मिलता था। हम जब एग्ज़ाम में बैठते थे, जो सबसे तेज जवाब देता था उसे पुरस्कार मिलते थे। हम ये देखते आए बचपन से, जो भी सबसे गतिमान रहता है उसे सम्मानित किया जाता है, वो सबके आदर का पात्र होता है। तो गति सबको प्रलोभित करती है क्योंकि उससे आपकी पहचान बनती है। हर कोई जब छोटे से बड़ा होता है तो परिवार वाले हो, स्कूल हो, समाज हो, वो उसकी तुलना करता है। देख, तेरे साथ वो था, उसकी प्रगति देख, उसमें भी गति है। प्रगति में भी है, प्रगति जो वर्ल्ड है उसमें भी क्या है, गति है। प्र यानी आगे की तरफ, ऊपर की तरफ, विशाल, ऐसी गति जो सबसे आगे है। तो ऐसी गति प्राप्त करना, मतलब प्रगति करना, ये हर मनुष्य की इच्छा है, आंतरिक इच्छा है, और तभी उसे जिंदा भी कहा जाता है। जिसके मन में गति और प्रगति प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है, वो मनुष्य मनुष्य होकर भी मनुष्य नहीं है। एक पत्थर में और एक मनुष्य में क्या अंतर है? एक पत्थर में, एक प्राणी में और एक मनुष्य में क्या अंतर है? ठीक है, पत्थर हिल नहीं सकता लेकिन उसका भी उपयोग है, उसका भी अस्तित्व है। उसे अगर सही आकार दिया जाए तो इंसान भी उसके दर्शन लेता है, नमस्कार करता है। और प्राणी वो हिल सकता है, डुल सकता है, खा सकता है, पी सकता है, उसके अंदर जान है, और उससे बेहतर क्या है? मनुष्य है। तो इन तीनों में जो फर्क है वो क्या है? मनुष्य खुद का मालिक बन सकता है, ऐसा नहीं कहूँगा मैं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं हम कौन है। अगर पता होता तो हम उस तरह जीते, उसका आनंद लेते, लेकिन ले नहीं पा रहे। आपने कभी ऐसा सोचा है कि यार पत्थर का जीवन देखो, एक प्राणी का जीवन देखो और मेरा जीवन देखो, परमात्मा ने मेरे ऊपर कितना उपकार किया है, लेकिन हमारे अंदर से कभी भी ऐसा भाव उत्पन्न नहीं होता, हे प्रभु तूने मुझे मनुष्य बनाया, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, तूने मुझे आज का दिन दिखाया, आज का और एक दिन दिया, तो मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। हम ये पहले से सोच के आए हैं कि अभी मैं पैदा हो गया तो 100 तो पूरे ही करूँगा, ऐसे सोचते ना हम। तुम में से ऐसे कोई सोचता है कि कल मैं जाने वाला हूँ? नहीं सोचता। तो हर कोई ये चाहता है कि मैं पूरी जीवन, मेरी जीवन यात्रा पूरी करूँगा। मरते तो लोग हैं, मैं थोड़ी मरता हूँ। तो इस सोच की वजह से हम खुद को पहचान नहीं पा रहे। तो मेरा जीवन चाहता क्या है मेरे से, वो कब समझेंगे हम? वही समस्या है। गति जो है, गति आपके जीवन की जीवंतता को दर्शाती है, और प्रगति जो है वो आपका जो समावेश है पूरी सृष्टि में वो दिखाता है। जब भी कोई प्रगति करता है तो वो समाज में शेयरिंग करता है, अपना सहयोग देता है। एक गरीब आदमी से तुलना में एक अमीर आदमी समाज में ज्यादा योगदान देता है, क्या ये सही नहीं है? एक कर्मचारी जो काम कोई टाल मटोल करता है, जिसकी कोई प्रमोशन नहीं है, वो अनेक सालों से एक ही पद पर काम कर रहा है, पोजीशन पे, क्या उससे जिसने प्रमोशन लिया वो बेहतर नहीं है समाज के लिए? क्या ऐसा नहीं है? जो खुद के लिए जीता है वो कभी अमीर नहीं बनता। जो औरों के लिए कुछ करता है, समझो किसी को, कोई छोटा किसान है, वो अपना काम अपन ही करता है, और दूसरा किसान है जो अपने खेत में काम के लिए मजदूर लाता है, तो जो मजदूर लाता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? अमीर हो जाता है, और जो खुद ही काम करता है वो गरीब रहता है। दूसरों का पेट भरना, दूसरों का जीवन चलाना, यही प्रकृति आपसे चाहती है, और इसके लिए उसने आपको गति देने की क्षमता रखी है, शक्ति दी है, और दूसरी दी है मात्रा। मात्रा मतलब
संख्या, आपके पास में जो भी क्षमताएं हैं, आपके पास में जो भी काबिलियत है, उसकी जो मात्रा है, समझो एक सिंपल सी बात है, एक दिन में आप कितना काम करते हो आपकी तुलना में दूसरा कितना काम करता है, ये मात्रा का बोध हो गया। तो कोई है जो बहुत सारे लोगों का काम अकेला कर देता है, और कोई है जिसे खुद का काम भी नहीं होता है ढंग से। तो ये जो गति है और ये जो मात्रा है, ये दोनों में आपको अगर महारत हासिल करनी है, तो सद्गुरु आज हमें बता रहे हैं कि आपके जीवन में शरीर, मन और ऊर्जा जो है, वो आप एक दिशा में अगर आप उसे नियंत्रित कर सके, एक दिशा में आप उसको एक सीध मिलाए, तो ये आप गति भी प्राप्त करोगे और मात्रा भी प्राप्त करोगे। जीवन में जो जो लोग ऊंचे पायदान पर पहुंचे हैं, इन्होंने ये करके दिखाया। तो आपका जो शरीर है ये पदार्थ है, भौतिक है। आपका जो मन है ये एक सॉफ्टवेयर है, ऊर्जा का एक माध्यम है, जिस माध्यम से ऊर्जा बहती है। तो शरीर में जो सॉफ्टवेयर है वो है मन, मतलब जो विचार आते हैं हमारे मन। पहले कोई भी चीज़ करते हैं, हम कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी आदत हमें लग जाती है, तो उसके पीछे एक विचार होता है। आप कहीं भी टिके हैं तो उसके पीछे क्या होता है, एक विचार होता है। आप कुछ भी करने के लिए प्रेरित होते हो तो उसके पीछे भी विचार होता है। तो इस शरीर को नियंत्रित कौन करता है, विचार नियंत्रित करता है। तो मन जो है, मतलब विचार जो है, वो एक सॉफ्टवेयर है, कमांड है, जो हमने समाज से ली है या हमने पैदा की है या हमारे परिवार से पालन पोषण के माध्यम से हम जब छोटे से बड़े हो गए तो ये इकट्ठा हो गई जानकारी जो है, इसे ही प्रोग्रामिंग कहा जाता है। तो हमें प्रोग्राम किया गया है वो हमारा मन है। तो हमें सही तरीके से प्रोग्राम किया हो तो हमारी जो गति है वो सही तरीके से रहेगी, प्रगति भी हो। लेकिन हमारी प्रोग्रामिंग में अगर गड़बड़ है, हमने उन लोगों ने हमें प्रोग्राम किया है जो उनके जीवन में असफल रहे हैं, लेकिन वो किसी माध्यम से हमारे खून के रिश्ते में है, हमारे दोस्त है, हमारे मार्गदर्शक है, तो इन लोगों के माध्यम से हमें जो भी प्रोग्रामिंग हुआ वो विचार इस शरीर को प्रवृत्त करता है, तो वो शरीर उस तरीके से काम करता है। तो जिस तरह आप आपके मोबाइल में जो भी डाउनलोड करोगे वही दिखेगा दूसरे को, बराबर है। वैसे आप आपके दिमाग में क्या डाउनलोड कर रहे हो, ये प्रकृति वही सच्चाई में बदल देती है। आप बार बार जो सोच रहे हो वही सच्चाई में आ जाता है। तो शरीर वही करता है जो आपके विचारों में है, और विचार वही करते हैं जो आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो रहा है, शायद आप कर रहे हो या हो रहा है। अगर आप प्रोग्रामिंग नहीं करोगे खुद को, तो वो अपने आप प्रोग्राम होगा, डिफॉल्ट हो जाएगा। तो जब आपका माइंड जो है, मन जो है, वो प्रोग्रामिंग होते रहता है, तो आपको सतर्क रहना है कि मेरे मन में जो जा रहा है, मेरे आदतों में जो जा रहा है, मेरे कृति में जो जा रहा है, वो क्या मुझे सही दिशा में लेके जाएगा, नहीं। तो आज हमारी हालत क्या है, शरीर कुछ और चाहता है और मन कुछ विचारों में कुछ और है, शरीर में कुछ और है और भावनाओं तो तीसरी तरफ है। शरीर यहाँ खड़ा है, मन कहाँ दौड़ रहा है पता नहीं, कहीं और पे। तो सद्गुरु आज हमें यही बता रहे, जहाँ पे आपका शरीर है वहीं पर आपका मन होना चाहिए। देखिए, शरीर की मर्यादाएं हैं, वो मन की तरह दौड़ नहीं सकता, मन की तरह वो दिशा बदल नहीं सकता उतनी तेजी से। क्या ये सही है, क्या ये संभव है? है, जितनी तेजी से अपना विचार और मन बदल जाता है उतनी तेजी से हमारा शरीर बदलेगा। आज किसी को लगता है, समझो यार मैं अगर डॉक्टर बन जाता, मैं अगर फलाना बन जाता, मैं कुछ MPSC कर लेता तो इतना मैं टैलेंट हूँ कि कोई तो हासिल करता मैं कोई डिग्री कोई पद, तो ये मन उधर भाग जाता है। लेकिन शरीर कहाँ पे है, शरीर पे इधर अटका हुआ है विजिट पे। शरीर बोलता कुछ और है और मन कुछ और करता है, तो आप खुद में बटे हुए हैं। अगर आप खुद में बटे हैं तो आपकी शक्ति क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, और वही हो रहा है। तो सद्गुरु वही कह रहे हैं कि जीवन में वही लोग सफल हो पाते हैं और वही लोग गति प्राप्त करते हैं जो लोग अपने शरीर, मन और भावनाओं को एक सीध मिलाते हैं। आपको पता है आपका शरीर कई और गड्ढे खोद रहा है, आपका मन कई और गड्ढे खोद रहा है, और अपनी भावनाएं तो कहाँ भाग गई है पता ही नहीं। तो इस तरह से आप अगर कितने भी गड्ढे खोदोगे तो आपको एक कुआं नहीं मिलेगा जिसमें पानी मिलेगा। तो ऐसे ही पूरा जो प्रयास है जीवन का,
वो हमारा असफल हो जाता है। हर दिन परमात्मा ये प्रकृति हमें 24 घंटे देती है, और उस 24 घंटों में क्या हमने कुछ कदम आगे जीवन को लेके गए हैं कि नहीं गए हैं। मेरे जीवन में जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी मेरे कौशल है, जो मेरी क्षमताएँ हैं, मैं उसको गति प्राप्त कर रहा हूँ, उसकी मात्रा बढ़ रही है। अगर ऐसा नहीं है तो आज भी मैं इन तीनों को एक सीध में लाने में असफल हो गया। तो तीनों को आप एक सीध में लाएंगे तो आपके जीवन में क्रांति हो जाएगी। तो यही आज के संदेश का रहस्य है। जो आपकी क्षमताएं हैं वो तभी बढ़ेंगी, जो भी है, समझो आप एक अच्छा कम्युनिकेटर हो, आप एक अच्छा अकाउंटेंट हो, या आप एक अच्छा प्रेजेंटर हो, जो भी आप करते हो, आप एक किसान हो, आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक स्टूडेंट हो, या आप और कुछ प्रोफेशनल काम करते हो, आपको आपके जीवन में इन तीनों को सीध में लाना पड़ेगा। शरीर, मन और भावनाएं, बॉडी, माइंड एंड हार्ट, ये तीनों जो है जब साथ में आएंगे तो हमारे जीवन इतना सरल और इतना सादा हो जाता है, कोई संघर्ष नहीं रहे, पूरा साफ हो जाता। जब रास्ता सीधा होता है जंगल में तो दूर तक साफ दिखाई देता है, जब रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो कुछ नहीं दिखता, दिखता है ऐसे है। तो जब सामने कुछ नहीं दिखता तो डर पैदा हो जाता है, क्या ऐसा नहीं है? आज हर कोई थोड़ा बहुत डरा हुआ रहता है। बाहर की दुनिया देखो, किसी को कोई भरोसा नहीं, कल मेरे साथ क्या होगा, क्या मेरी नौकरी चलेगी, क्या मेरा बिजनेस चलेगा, क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ उसमें मेरा करियर अच्छा होगा, ये सब छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक, बूढ़े तक, सबको सवाल है। क्या मैंने इनको पाल पोस कर बड़ा किया, ये मेरे को संभालेंगे, मैंने तो सब प्रॉपर्टी इनके नाम पे कर दी है, मेरा क्या होगा? तो आज बूढ़ों को सलाह दी जाती है, खुद के लिए कुछ बचा के रखो, इन बच्चों का कोई भरोसा नहीं है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि शरीर और मन ये सब अलग अलग काम कर रहे हैं। हम खुद में एक व्यक्ति नहीं है, हमारा शरीर एक अलग व्यक्ति को पहचान देख रहा है, हमारा मन किसी अलग व्यक्ति की पहचान बना रहा है, हमारी भावनाएं किसी तीसरे व्यक्ति की पहचान बना रही है। ऐसे हमने अनेक व्यक्ति हमारे अंदर पैदा कर चुके हैं। तो सुबह एक का नमस्कार होता है, दूसरे का दूसरे दोपहर को दूसरे का साक्षात्कार होता है, और शाम को कोई और ही मिलता है। खुद ही भूल जाते हैं, यार मैं सुबह कौन था, क्या मैंने ऐसा कहा। इस तरह लोग 24 घंटे में कितनी बार बदल जाते हैं उनको खुद को भी पता नहीं, ये पागलपन की निशानी है। तो एक मनुष्य की तरह जीना छोड़ दीजिए, मनुष्य अब पागल हो रहा है। तो इसीलिए आज सदगुरु का जो आज संदेश है वो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि शरीर है वो उसी दिशा में काम करे जिस दिशा में हमारे विचार है, और हमारे विचार जो है उसी दिशा में जाने चाहिए जो उसके अंदर भावना पैदा हो रही है। अगर हमारे अंदर प्रेम की भावना है तो हमारा शरीर भी वही करना चाहिए, हमारी सोच भी वही होनी चाहिए। लेकिन हम हमारे अंदर दुष्टता का भाव रखते हैं और ऊपर से क्या दिखाते हैं, बड़ा प्रेम है, नमस्कार, और अंदर से काला कलूटा जादूगर होता है। तुझे तो देख लूँगा मैं, अभी तो नमस्कार कर रहा हूँ, अभी मेरी मजबूरी है, ऐसे सोचते कि नहीं लोग। समझो सीनियर आ गए, कोई किसी को प्रमोशन मिल गया, किसी को प्रमोशन मिल गया तो हाँ नमस्ते, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, अभिनंदन आपका, सामने तो कहते, और पीछे में जाए, वो पीछे जाने के बाद, अरे मालूम है तेरी क्या हैसियत है, वशीलबाजी करके आया तू आगे, हाँ हम भी कोई कम नहीं थे, लेकिन हमें कोई देखता ही नहीं है, हमारे काम को नज़रअंदाज किया जाता है। ऐसे होता है समाज में, कोई भी समझो परमात्मा की पूजा करता है, किसी को कुछ मिल गया तो लोग दूसरे तुलना करते हैं, उसका अभिनंदन तो करते हैं मुँह पे, पर पीछे जाके बोलते हैं अरे तेरे कितने पाप हो गए फिर भी तेरे पे इतना भगवान मेहरबान हो गया। ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है? कि गलती उसमें होती है क्या? नहीं, गलती हम में होती है, हमारे नज़रिए खराब हो गए, हमने जिस तरह का चश्मा पहना है उस ढंग की दुनिया दिख रही है। तो शरीर को जो दिखता है वो, जो हमारे सोच को जो समझ में आता है वो, और हमारे भावनाओं से जो उत्पन्न होता है वो, ये तीनों चीज़ें एक चाहिए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ऐसा करने के लिए आपको जागरूक रहना पड़ेगा। तो जागरूक रहेंगे, सतर्क रहेंगे तो आप इन तीनों को सीध में ला सकते हैं। एक साधना है, कोई कहेगा सर अगर परमात्मा ने ये तीनों को बनाया तो तीनों को सीध में क्यों नहीं लाया? अरे मेरे भाई, उसने आपको सीध में ही पैदा किया। छोटा बच्चा देखो,
क्या वो खुद पे कभी अविश्वास दिखाता है? उसके कुछ भी करने को बोलो वो करता है कि नहीं करता है? मतलब उसका जो एक्शन है उसके अंदर पूरी सोच होती है उसकी, और उसकी पूरी भावनाएं उसमें होती है, वो पूरी तरह एकाग्र होता है। ऐसे ऐसे हम बड़े हो गए, हमने खुद को बिगाड़ दिया। कार हो, मोटरसाइकिल हो, मोबाइल हो, आपको मैन्युफैक्चरर ने बहुत बढ़िया बना के दिया। कपड़ा हो, आपको अच्छा दिया, लेकिन उसको गंदा किसने किया? किसने किया? हमने किया, धोने वाले ने किया। वैसे कार खराब किसने की? कुछ आपने की, कुछ रास्ते ने की, कुछ मैकेनिक ने की। क्या ऐसा नहीं है? तो इस तरह हमें हमेशा याद रखना चाहिए, परमात्मा ने हमें बहुत सुंदर बनाया, लेकिन बिगाड़ा हमने। हमारे माता पिता ने, हमारे समाज ने, गुरुओं ने, शिक्षकों ने हमें क्यों बिगाड़ा? उनको ही मालूम नहीं सही जीवन क्या है। उनको ऐसा लगता है कि ये मिट्टी हमारे हाथ में दी और उसको हमें अच्छी तरह से क्या करना है, मूर्ति बनाना है। लेकिन परमात्मा ने जो भी दिया है वो सही दिया है, बिगाड़ने का काम हम करते हैं। जंगल में जो पेड़ पौधे हैं वो कैसे हैं? मस्त हैं, मजे में हैं, फल आते, फूल आते, सब आते। और वही पेड़ पौधे, आम के पौधे आप आपके खेत में लगाओ तो उसको कीड़े लग जाते हैं। क्यों? तुम्हारी संगत से ना मेरे भैया, हाँ, तो इतने बेकार हो। तो मनुष्य ने खुद को इतना बेकार बना दिया, खुद को खंड खंड कर दिया, टुकड़े टुकड़े में बांट दिया। तो ये जो टुकड़े हैं उसको सांध लो और एक संग कर लो, और जीवन को एक दिशा में जियो। जो बिगड़ा हुआ है उसको दुरुस्त करो, तो जीवन बहुत आसान है, सरल है। आपका जीवन गतिमान हो जाएगा, आपकी ऊर्जा गतिमान होगी, आपकी क्षमताएं गतिमान होगी, और आप एक ऐसे मुकाम पर पहुँचोगे जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो दिमाग मत चलाना, भावनाओं में मत बहना, और शरीर के जो लाड़ है वो मत करना। तीनों को एक सीध में लाना, अनुशासित करना, यही जीवन की साधना है। जो आपने एक बार कर ली तो आपका जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। धन्यवाद।